यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। तब आत्मा ने मुझे उठाकर यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक के पास, जिसका मुंह पूर्वी दिशा की ओर है, पहुंचा दिया। और वहां मैंने क्या देखा कि फाटक ही में 25 पुरुष है, और मैंने उनके बीच अज्जूर के पुत्र याजन्याह को और बनायाह के पुत्र पलत्याह को देखा, जो प्रजा के प्रधान थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो मनुष्य इस नगर में अनर्थ कल्पना और बुरी युक्ति करते हैं, वे ये ही है। ये कहते हैं, घर बनाने का समय निकट नहीं, यह नगर हंडा और हम उसमें का मांस है। इसलिए हे मनुष्य के संतान, इनके विरुद्ध भविष्यवाणी कर, भविष्यवाणी। तब यहोवा का आत्मा मुझ पर उतरा और मुझसे कहा, ऐसा कह, यहोवा यो कहता है कि हे इस्राएल के घराने, तुमने ऐसा ही कहा है। जो कुछ तुम्हारे मन में आता है उसे मैं जानता हूं। तुमने तो इस नगर में बहुतों को मार डाला, वरन उनकी सड़कों को लोथों से भर दिया है। इस कारण प्रभु यहोवा यो कहता है कि जो मनुष्य तुमने इसमें मार डाले हैं, उनकी लोथे ही इस नगर रूपी हंडे में का मांस है। और तुम इसके बीच से निकाले जाओगे, तुम तलवार से डरते हो, और मैं तुम पर तलवार चलाऊंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, मैं तुमको इसमें से निकालकर परदेशियों के हाथ में कर दूंगा और तुमको दंड दिलाऊंगा। तुम तलवार से मरकर गिरोगे और मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। यह नगर तुम्हारे लिए हंडा न बनेगा और न तुम इसमें का मांस होंगे। मैं तुम्हारा मुकदमा इस्राएल के देश के सिवाने पर चुकाऊंगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। तुम तो मेरी विधियों पर नहीं चले और मेरे नियमों को तुमने नहीं माना, परंतु अपने चारों ओर की अन्य जातियों की रीतियों पर चले हो। मैं इस प्रकार की भविष्यवाणी कर रहा था कि बनायाह का पुत्र पलत्याह मर गया। तब मैं मुंह के बल गिरकर ऊंचे शब्द से चिल्ला उठा और कहा, हाय प्रभु यहोवा, क्या तू इस्राएल के बचेहुओं का सत्यानाश कर डालेगा? तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम के निवासियों ने तेरे निकट भाइयों से, वरन इस्राएल के सारे घराने से भी कहा है कि तुम यहोवा के पास से दूर हो जाओ। यह देश हमारे ही अधिकार में दिया गया है, परंतु तू उनसे कह, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैंने तुमको तो दूर दूर की जातियों में बसाया और देश देश में तीतर बीतर कर दिया है। तो भी जिन देशों में तुम आए हुए हो, उनमें मैं स्वयं तुम्हारे लिए थोड़े दिन तक पवित्र स्थान ठहरूंगा। इसलिए उसने कहा, प्रभु यहोवा यो कहता है कि मैं उनको जाति जाति के लोगों के बीच से बटोरूंगा और जिन देशों में तुम तीतर बीतर किए गए हो, उनमें से तुमको इकट्ठा करूंगा और तुम्हें इसराइल की भूमि दूंगा। और वे वहां पहुंचकर उस देश की सब घृणित मूर्तें और सब घृणित काम भी उसमें से दूर करेंगे, और मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न कर दूंगा, और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकालकर उन्हें मांस का हृदय दूंगा, जिससे वे मेरी विधियों पर नित चला करें और मेरे नियमों को माने, और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। परंतु वे लोग जो अपनी घृणित मूर्तों और घृणित कामों में मन लगाकर चलते रहते हैं, उनको मैं ऐसा करूंगा कि उनकी चाल उन्हीं के सिर पर पड़ेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। इस पर करूबों ने अपने पंख उठाए और पहिए उनके संग संग चले, और इस्राएल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर था। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया जो नगर की पूर्व की ओर है। फिर आत्मा ने मुझे उठाया और परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से दर्शन में
مجھے کشتیوں کے دیش میں بندھوؤں کے پاس پہنچا دیا، اور جو درشن میں نے پایا تھا وہ لوپ ہو گیا۔ تب جتنی باتیں یہوہ نے مجھے دکھائی تھی وہ میں نے بندھوؤں کو بتا دی۔